पंजाब देहात में इटावा के रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग ने सनसनी मचा दी है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग ने साबित किया है कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सिक्योरिटी गार्ड पति की हत्या करवाई है। 19 मिनट की इस रिकॉर्डिंग की शुरुआत ही हत्या करने के फौरन बाद पत्नी और प्रेमी के बीच किसी बातचीत से शुरू होती है। इसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि प्रेमी बता रहा है कि उसने हाकिम सिंह की हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया। आपको बता दें, महिला ने अपने 20 साल के प्रेमी से पति की हत्या करवाई थी। यह खुलासा महिला के फोन में मिली कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ है। दरअसल मृतक को शराब पीने की लत थी और जमीन बेचकर सारा पैसा उसने शराब में उड़ाया था। शक है कि महिला ने इसी वजह से पति की हत्या कर दी। गुजरात पुलिस की टीम ने इटावा से महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वही ऐसी बातें कर रहा था। अब तुम करो प्यार भरी बात है, ये हिम्मत ना हो कर दोगे बताई। अब देखो नजर में रोने तो है, रोया नहीं तो आदमी का तब नहीं भाई है। मेरी बात सुन, फिर वो हम आने अपना जिंदगी में साथ में भाई, फिर बच्चन पढ़ेंगे, जितने शादी करेंगे तब हम करें। तो गुजरात पुलिस को सूचित कर दिया गया है, हमारे डीएसपी साहब वहाँ पर मौके का मुआयना कर लिए हैं, एसपीआरए साहब मुआयना कर लिए हैं। जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर गुजरात पुलिस यहाँ पर आ रही है जांच करने के लिए। चूंकि मृत्यु वहाँ हुई थी अहमदाबाद गुजरात में, तो वहाँ पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। तदनुसार गुजरात पुलिस यहाँ पर विधिक कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा आ रही है। तदनुसार जो भी होगा विधि समय से कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।